कैदी नंबर 11 मई 2018। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी नेहम, आज है मेरी शादी की सालगिरह। यस, इट्स माय मैरिज एनिवर्सरी। तो एज सच तो मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैरिज एनिवर्सरी के हिसाब से हम सैटरडे संडे हम बाहर जाके आ चुके थे घूम फिर के, ऐसे नज़दीक में सिटी के अंदर ही। बट आज के दिन क्या कुछ खास किया जाए वैसा कुछ समझ नहीं आ रहा था। लॉकडाउन यहाँ पे भी है तो कुछ ना समझ आते 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 मेरे को कुछ कुछ समझ आया। तो मैंने एक छोटा सा गिफ्ट पैक किया है गोपाल के लिए, जिसको मैं अच्छे से अब डेकोरेट करूँगी। अभी मिलती हूँ डेकोरेट करने के बाद, और फिर मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँगी। खाना मैं बाहर से मंगा आ गई हूँ, क्योंकि सुबह मैंने बना दी थी अच्छे से, खाना पीना तो अच्छे से बना दिया था। तो रात का खाना हम बाहर से करेंगे, और मे बी हम घर पे पिज़्ज़ा या मोमोज बनाएं, वो डिपेंड करता है हस्बैंड जी के मूड पे। दिस इज़ द गिफ्ट। अच्छा, इसका भी मैं बता दूँ, ये बॉक्स तो आया ही था, मैं इंडिया से लाई थी इसमें गिफ्ट करके। और ये मुझे कुछ ढूंढते हुए गोपाल के सामान में से मिल गया, ब्लैक रेड एंड ग्रीन रिबिन टाइप में। आलिशान गिफ्ट को रखते हुए मैं एक अच्छा सा कॉर्नर सच सजाऊंगी। ऐसा गिफ्ट कोई अपने पति को ना दे, बट मैं दे रही हूँ। तो फाइनली मैंने अपना छोटा सा सरप्राइज फॉर माय हस्बैंड तैयार कर दिया है। बहुत बेसिक बहुत सिंपल सरप्राइज है, ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे जानती भी नहीं हूँ, मैं मार्केट नहीं जानती, और वैसे भी लॉकडाउन है जो थोड़ा बहुत खुला, उसमें भी मेरे को इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अकेले जाके आ जाऊँ। तो मेरे पास जो घर पे था और जितना मैं कर सकती थी मैंने उस हिसाब से कर दिया है। थोड़ा थोड़ा देखो। तुमने तो बहुत अच्छा कपड़ा पहना है बच्चा, ये सब क्या कर दिया है यहाँ पे? तुम्हारी कमर नहीं दर्द हुई होगी? एक मिनट, मैं हाथ सैनिटाइज कर। हैप्पी एनिवर्सरी। सेम टू यू बच्चा, सब क्या है? मेरा गिफ्ट भी है। यस, हमारा शादी का फोटो भी है, हमारा फोटो भी है। मैं तो अभी अभी आया ऑफिस से। दिस इज अ सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम योर वाइफी। या आई वाज रियली सरप्राइज्ड, रियली, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम कुछ नहीं करोगे। तुमने बेड कैसे घिसकाया? ये सब मत किया करो यार, कमर पे जोर आएगा बेकार में। तुम्हें कैसा लगा तुम्हारा सरप्राइज? बहुत अच्छा है। सेलो टेप कहाँ से मिला? सब मैंने कर लिया अरेंज यार। ओके, जो फोटो मेरे को चिपकानी थी वो फोटो तो तुमने खो दी है, ये एक्स्ट्रा फोटोज थी मेरी बस। बहुत अच्छा है। ड्रेस के साथ तो बहुत यादें हैं। ये ड्रेस की याद बताओ। ये ड्रेस पहन के सबसे पहले नेहा मिलने आई थी मुझसे, शादी से भी पहले की बात। यस, फर्स्ट टाइम हमने इसी ड्रेस में डेटिंग की थी। डेट की थी, यस। ये हमारा फर्स्ट डेट का कपड़ा है। इसका मेरा नहीं, मेरा तो पता नहीं क्या है।
हाँ इसका देखना पड़ेगा फोटो में। ये गई हमारी फर्स्ट डे की फोटो। ये शर्ट पहन लूँ क्या? अरे फोकस नहीं आ रहा। ये ये शर्ट फर्स्ट धुलने डे की गई है। फोटो है हमारी, मतलब हम फर्स्ट टाइम डेट पे गए थे तब की फोटो है। हाँ ये सेकेंड या थर्ड टाइम, उसके बाद तो यही हो गया। अगर उसके बस इसके बाद कुछ नहीं हुआ। बाद ये हो गया। गिफ्ट ओपन करने से पहले गोपाल सैनिटाइज करेंगे हाथ अपना। बड़ा डर लगता है यार आज। केक कटिंग बाद में करते हैं। तुम सैनिटाइज हो जाओ अच्छे से। तो दो बैंड है बाबा। कहाँ सोचो ये बैंड मुझे कहाँ से मिले, तुम्हारे से है? सूटकेस से। क्यों इतना झुका तुमने भाई? मत झुका करो इतना। मैं तो कुछ गिफ्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। स्पीकर आया गिफ्ट नाम पे। आज इतना काम था कहीं जा भी नहीं पाया। वाह, थोड़ा बहुत झूठ लिखा है पर ठीक है। इससे बड़ा झूठ क्या होगा भाइयों? वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड बताइए। दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड। मैं क्लास का बेस्ट स्टूडेंट नहीं बन पाया, मैं वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड बना दे। चलो थैंक हैप्पी एनिवर्सरी। यू नेहा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। बेस्ट की जगह वर्स्ट ना कर दूं मैं। इसको भी यहीं रख देते ना। दो पपी के साइड में रख देते। मेरा सरप्राइज जिसके पास बोतल का ऑलरेडी आ चुका है। देखते हैं गोपाल का सरप्राइज कैसा है। वेयर आर यू गोपो? ओ माय गॉड, हैप्पी एनिवर्सरी थैंक यू रोज फॉर माय रोज। फिर थैंक यू। तो एक और है। ओह मैंने ये नहीं सोचा था। जाम दे। चॉकलेट हार्ट शेप में है। हार्ट शेप में है। सॉरी लाना पकड़ लेता। दिस इज माई गिफ्ट, यस दिस इज रख नाइस, देता हूँ। थैंक यू गोपू एंड वेलकम। हेयर वी बोथ। हम दोनों का गिफ्ट एक जगह। एंड दिस इज अस। ओ मेरा बाल, तुमने बताया नहीं। कोई बात यू लुक हैंडसम बेबी। नहीं। ओके वेलकम। वेरी कूल, तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी मुझको। थैंक यू चलो सो मैं मच। चाय देखा। यस मेरे लिए चाय बनाई जा रही है। थैंक यू। दिस इज मी, दिस इज अस। क्यूट सी लड़की दिख रही है, दिख रही है, ये मैं हूँ। जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये हमारी फर्स्ट डेट, मैंने सेम कपड़े पहने हैं। ये हम शादी से पहले मिले थे, तब सगाई, फिर ये मेहंदी, हल्दी, ये भी हल्दी का है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और फिर ये मेरे दादा मेरे गप्पू को हग कर रहे हैं, मेरे पापा मम्मी मैं, ये मेरी विदाई के टाइम पे है। ओ शेडू शेडू सी हूँ, ये शादी हो गई है मेरी। हाँ और सबसे बेस्ट तो ये है, इधर देखो गोपाल पर चढ़ा दिया। मैंने कहा जा जा, गोपाल कहते आ जा, और फिर हमने शादी कर ली। आप क्या कर रहे हैं?
कुछ नहीं, ये बन गई है मेरी चाय। I'm literally happy। मेरे को विश्वास नहीं था गोपाल मेरे लिए ऐसे फूल वूल लेके आएगा। अरे मैंने तो उम्मीद ही नहीं रखी थी मेरे लिए कुछ भी आएगा। इसीलिए तो ज्यादा खुशी हो रही है, उम्मीद रखते तो नहीं होते। थैंक यू, वेलकम। तो ये बस है हमारा छोटू सा और प्यारा सा एनिवर्सरी पार्टी। कैदी नंबर 11 मई 2018। अब पेश हो, पोर्टफोलियो दीजिए अपना। बिल्कुल गुड, ओके डन।